बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakdeal.com.pk। व्यूअर्स, आज की जो न्यूज़ है आपके साथ, सुजुकी वैगन आर जो कि ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर जो लॉन्च करने के सुना जा रहा है, काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर भी लिखा जा चुका है, काफ़ी सारी न्यूज़ के अंदर भी, काफ़ी सारे रूमर्स हैं और कुछ ऐसे रूमर्स भी थे जो कि पहले ब्रेक हो चुके हैं। एक जगह प्रेस रिलीज़ हुई है, कपल ऑफ द मंथ के अंदर जो है वो सुजुकी वैगन आर जो है कि 1000 cc लॉन्च कर दी जाएगी। उसके अंदर जो ऑटोमेटिक वेरियंट गियर होगा वो AGS होगा। याद रखें, इंडिया के अंदर जो अभी इससे जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की गई है उसके अंदर भी AGS गियर ही लॉन्च किया गया है, बट उसकी जो फेस है, उसकी जो बॉडी है, वो आपकी इस करंट जनरेशन से डिफरेंट है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेके आए हैं, नॉट अ फेस लिफ्ट है। मगर पाकिस्तान के अंदर सुजुकी वैगन आर जो होगी ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर जो लॉन्च कर दी जाएगी, वो उसके अंदर जो है वो सिर्फ AGS गियर लेके आएंगे और माइट भी फेस लिफ्ट ले आए या VXL AGS जैसे आल्टो के अंदर और कल्टस के अंदर है। ऑटोमेटिक गियर में अगर वो अभी भी लॉन्च करते तो इस वजह सुजुकी वैगन आर जो VXL जो चल रही है उसके पास 16 लाख समथिंग प्राइस के अंदर चल रही है, उसके ऊपर FBR टैक्स अलग है और आपके नंबर रजिस्ट्रेशन टैक्स अलग है। अगर वो अब लॉन्च करते हैं तो जहाँ तक उसका रेट की एक्सपेक्टेशन मैं समझता हूँ 2 लाख का कम अज़ कम वो गियर ऐड करते हैं, 1.5 से 2 लाख का। तो अगर वो 16-20 की अगर VXL आपका सिंपल है तो कम से कम वो 18-20 की हो जाएगी और टैक्स अलग होगा। और इसी तरह अगर आप 18-20 की अगर ये लेते हैं तो सुजुकी कल्टस जो कि है, जिसको AGS को डिसकंटिन्यू किया गया था 1 मंथ के लिए, मगर फिर उसकी दोबारा रीबुकिंग और रीसेलिंग दोबारा शुरू हो चुकी थी, तो वहाँ उसका जो रेट होगा वो एटलीस्ट जो है वो बूस्ट अप करेगा, वो 21 प्राइस या 20 की प्राइस के अंदर चले जाएगा। हाँ, इसके अंदर जो है सुजुकी अगर वैगन आर को जो नई शेप चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर वो लॉन्च करते हैं तो फिर कुछ कहा जा सकता है। मगर इसकी जो आपको मैं बता दूंगी जो स्पेसिफिकेशन यही होंगी कि पावर स्टेयरिंग होगा, फ्रंट 2 डोर्स होंगे वो भी पावर विंडोज़ के अंदर होंगे, LCD यूनिट वही सिंपल होगा, आपको जो है वो बैक कैमरा और LCD के लिए दोबारा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, माइट भी वो VXL AGS के अंदर लगा दें। काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, आपको पता तो है नहीं आप वीडियो बना रहे हैं। देखें, बात इस तरह होता है कि हम आपके साथ न्यूज़ ब्रेक करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी न्यूज़ हमें सबसे पहले मिलती है हम वो आपके साथ ब्रेक करते हैं। अगर हम आज अपने एक दावे से कह दें कि एक वैगन आर के अंदर जनाब 6 एयरबैग्स भी हो सकते हैं, पावर विंडोज सारी होंगी, ये होगा वो होगा, अपनी तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ लगा दें, रेट बहुत कम रख दें, कल को जब गाड़ी लॉन्च होगी तो आप लोग उस वक्त वीडियो के नीचे तो होप बना के बैठ जाएंगे ना कि भाई फलां चैनल ने ये बात की थी और मेरे से जितने जूनियर हैं अगर वो भी मुझे देख के शुरू करते हैं बात तो वो भी शुरू हो जाएंगे। बट ये होगा कि आइंदा अगले दिनों में आगे झूठा मुझे ही होना पड़ेगा, तो लिहाजा मेरी एक पूरी रिसर्च होती है एक वीडियो के पीछे, फिर ही मैं आपके साथ वीडियो लेके आता हूँ। बाकी फिलहाल जैसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पर चलती है कि सुजुकी वैगन आर का जो है अपकमिंग वेरिएंट कब लॉन्च होगा वो आपके साथ जरूर लेके आएंगे। अगर सुजुकी वैगन आर की नई शेप आती है तो इसको लिमिटेड एडिशन का टैग लगेगा, ये फ्लॉप ख़त्म होगी, फिर उसके बाद नई गाड़ी लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान के अंदर जो कि सुजुकी वैगन आर अगर देते हैं ऑटो के अंदर, अगर नई शेप है, अगर इसी शेप के साथ देते हैं तो फिर AGS गियर होगा। जहाँ तक रेट की एस्टिमेशन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 18 लाख समथिंग की प्राइस हो सकता है अगर AGS इसी गाड़ी के अंदर सिर्फ गियर चेंज कर दें, क्योंकि 2 लाख का गियर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पाकडील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।